एवरीवन, सो हियर आई एम विद माय न्यू व्लॉग और आज है व्लॉग अबाउट आदि पुरुष. सो दिस इज द मोस्ट अवेटिंग मूवी एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी हैव बुक्ड आवर टिकट्स ऑन 12 जून. राइट मंशी, या सो अभी हम लोग आदि पुरुष के लिए जा रहे हैं एंड 2 o'clock का शो है. शोरूम में इसलिए नहीं गई, इसके बाद मैं शोरूम निकलूंगी एंड दैट्स व्हाई मैंने अपना ब्लेजर रखा हुआ है एंड फिर मैं अपने फॉर्मल अवतार में आ जाऊंगी. सो मैं मिलती हूँ आपसे PVR एंड अगेन वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. इतने पास होके भी हम लोग हमेशा लेट हो जाते हैं, बट हाँ सबको टाइम पे आ जाएगा बिकॉज मैं हूँ इनके साथ, अदरवाइज ये तो 2 o'clock के बाद पहुंचे. चलो मिलती हूँ आपसे PVR. आज वैसे मम्मी भी आ रही है. हाय मम्मी. सो मम्मी को ट्रेलर बहुत अच्छा लगा एंड मम्मी वाज सेइंग कि नहीं इसके लिए से चलूंगी. यूजुअली मम्मी चलती नहीं है एंड वंशी आप अपने भी दीदार करा दीजिए. इतिहास का सबसे यशस्वी पन्ना वो है जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा अंकित है. ये कथा और श्री राम का यशगान करोड़ों कल्पों में भी पूर्ण नहीं हो सकता. श्री राम की महिमा ये है कि वो शब्द और वाणी से परे हैं, फिर भी सबके शब्दों में उतर आए, सबकी वाणी से बोल पड़े. अपने मन में राम की छवि जिसको जैसी दिखी उसने वैसी राम कथा लिखी. हरी अनंत हरी कथा अनंता, कहही सुनही बहु विधि सब संता. सो गाइस हम लोगों ने मूवी देख ली है एंड वी वाज गुड, इनसाइटफुल, इंपैक्टफुल. कुछ सीन्स आपको काफी इंटेंस लगेंगे. सो दिस मूवी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन आवर एपिक इंडियन माइथोलॉजी एंड आवर बुक रामायण. सो आप जब इसको देखने जाएं तो आप ये सोच के, मतलब बहुत कुछ सोच के मत जाइएगा बिकॉज ऑब्वियसली आपको स्टोरी पता है रामायण की. तो इसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरह और एक आप न्यू वर्जन जो रामायण का आप देखना चाहें तो आप जा सकते हैं. मैं इस मूवी को 3 out of 5 दूंगी और आप यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों में बोर होंगे, कुछ कुछ में नहीं भी. कुछ सीन्स काफ़ी इम्पैक्टफुल और काफ़ी इंटेंस हैं, बट बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं इस मूवी से. वैसा एक्सपेक्टेशन आप लेके मत जाइएगा, अपना पॉपकॉर्न एंजॉय करें. हाँ, मूवी गिव्स यू अ गुड लेसन दैट लव एंड पावर ऑफ लव एंड बॉन्ड इज वेरी, यू नो, इज एवरीथिंग एंड ट्रूथ ओज़ेस विद सो पॉजिटिव पॉजिटिविटी. बट इससे ज़्यादा आप कुछ मत सोचिएगा. बट हाँ, अपने जो ग्रोन अप किड्स हैं दे मस्ट वॉच दिस मूवी टू लेट देम इंट्रोड्यूस एंड टू लेट देम नो द कल्चर एंड रूट्स हमारे इंडिया का जो इतना प्योर है. तो आप देखें. और इतनी बात करने में अभी घर आ चुका है, बाकी का रिव्यू या तो मैं आपको आपसे ऊपर जाके दूंगी या फिर मैं अभी ऑफिस से करने वाली हूँ तो मैं आपको ऑफिस में दूंगी. तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में बिकॉज घर आ चुका है. गाइज हम लोग अभी ऊपर आ गए हैं एंड मेरी भाई से शुरू पर बात हुई एंड ही सेड कि अभी वैसे काफ़ी लेट हो गया, 6 o'clock तो हो ही गए, तो आप रहने दो एंड रेस्ट करो. सो मैंने भी सोचा और मुझे भी आज लेजी सा लग रहा है. लेजी सा तो क्या, बहुत काम चोरी हो रही है. तो ऐसा हमेशा नहीं होता है.
तो वेयर आई वॉज मूवी के बारे में. सो इस मूवी को आराम से इंजॉय कीजिए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली रामायण की स्टोरी से एवरी वन इज सो अवेयर कि अगर आप ये सोच के जाएंगे कि वहाँ पे आपको एग्जैक्टली बिकॉज यू नो द स्टोरी ऑलरेडी राइट, बट आप एक्स्ट्रा विजुअल इफेक्ट्स के लिए कुछ अलग परफॉर्मेंसेस के लिए, जिसमें से मैं एक का बताना चाहूँगी, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस सैफ अली खान डिड एन अमेजिंग 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 जॉब. और अगर आप उनके फ़ैन हैं, और फैन नहीं भी है तो आप फ़ैन हो जाने वाले हैं उनके एक्टिंग के, मैं इसमें से उनको दूंगी 10/10. एंड सीरियसली आप इस मूवी का, बिकॉज रामायण की स्टोरीज यू ऑलरेडी नो, बट एक्स्ट्रा विजुअल इफेक्ट्स कुछ यू नो एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए, और आप एक इसमें रामायण का एक नया ही वर्जन देखेंगे, बट जो बच्चे हैं बच्चों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है. और ऑब्वियसली इसके थ्रू हम उन्हें अपना जो ब्यूटीफुल कल्चर है, प्योर जो प्योरिटी है हमारे इंडियन कल्चर में, जो होली बुक्स हैं वो लाला लैंड और फैंटेसी वर्ल्ड से रही आई, दीज स्टोरीज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स. सो डेफिनेटली यू गाइस मस्ट वॉच दिस मूवी, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाइएगा. अभी किसी की बेल बज चुकी है, मुझे खोलना है गेट, तो मैं इस व्लॉग को अभी कंटिन्यू करूँगी. बाकी आप जाइए इस मूवी को देखने, एंड डू लेट मी नो अगर आपको ये रिव्यूज़ करेक्ट लगे हों या आपको कुछ अलग लगा हो. और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो, सो गिव्स अ थम्स अप, लाइक, कॉमेंट, शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर सच काइंड ऑफ वीडियो. सो बाय, टेक केयर, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. टेक केयर, बाय.